इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ममता बनर्जी के बाद दिल्ली आए नीतीश कुमार को लेकर सियासी चर्चा काफी गर्म है। खासतौर पर अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिले। नीतीश कुमार रविवार की देर शाम चौटाला से मिलने उनके गुरुग्राम आवास पर गए। उनके साथ जेडीयू के थिंक टैंक कहे जाने वाले केसी त्यागी भी गए थे। दोनों की यह मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब देश में एंटी मोदी फ्रंट बनाने की कवायद तेजी से चल रही है। खुद इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला भी तीसरे मोर्चे के गठन पर जोर दे चुके हैं। अब अटकलें ये हैं कि क्या ओम प्रकाश चौटाला की पहल में कहीं नीतीश कुमार तो भागीदारी बनने नहीं जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। बहुत पुराना संबंध है, शुरू से ही मानते रहे, जब से हम लोग यंग थे और उस समय से ये कितना हम लोगों को स्नेह करते रहे हैं। तो इसलिए जो अभी हाल में बातचीत हुई जी। और मैं पटना में ही था तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, जरूर हमारे आ रहे हैं दिल्ली तो आपका दर्शन जरूर करेंगे। तो आज हम दर्शन करने आए। आगे की राजनीतिक कोई समीकरण या तीसरे मोर्चे आदि के नजरिए से इस मुलाकात को देखा जा रहा है सर? इन सब चीजों का कोई खास नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला जेपी आंदोलन के समय से साथी रहे हैं। दोनों की जो सियासत है उनकी धारा एक ही रही है। 70 के दशक की जनता पार्टी से लेकर 90 के दशक के तीसरे मोर्चे की सरकार में सहयोगी रहे हैं दोनों। तो अभी फिलहाल इस मुलाकात का मतलब क्या है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मीटिंग थी, लेकिन तीसरे मोर्चे के पैरोकार ओम प्रकाश चौटाला से इस तरह की मीटिंग में सियासत को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ये सवाल नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए टाल गए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास के दौरान भी कई सियासी सुर्खियां बनी रही। एक तो जनगणना, जिस पर एनडीए की लाइन से अलग नीतीश की राय है, जनगणना जातीय आधार पर हो। इसके बारे में नीतीश कुमार ने कहा वो जातीय जनगणना को लेकर चिट्ठी भी लिखेंगे प्रधानमंत्री को। इन सब चर्चाओं के बीच एक बयान जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, अगले चुनाव में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।